अच्छा, अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं इस जगह का नाम है शहीद गली, और ये ऐसी जगह है कि इस तरफ ज़िला मानसेरा है और इस तरफ आज़ाद कश्मीर। ये वो बाउंड्री है कि जहाँ से एक तरफ ज़िला मानसेरा और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर। तो अभी हम इस जगह पे मौजूद हैं जो बहुत ही तारीखी जगह है। अपने भाई से, हम सैफी भाई से इस बारे में पूछेंगे तो ये हमारे साथ कोई मालूम शेयर करेंगे, तो इनसे सुनते हैं इनकी ज़बानी। जी सैफी भाई, इस जगह के बारे में कुछ बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस जगह का नाम शहीद गली। ये जब प्रिंट या गालबा ने कतर की जंग, उससे पहले यहाँ पे ये इंडिया का बॉर्डर था। ठीक है, जो फिर जंगें लड़ी गई उसमें ये आज़ाद हुआ, जिसको आज़ाद कश्मीर, खिता आज़ाद कश्मीर कहते हैं। ये वो जगह है, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला मानसेरा और ज़िला मुजफ्फराबाद का संगम भी है के पी के, और आज़ाद कश्मीर का संगम भी है। जिस जगह हम खड़े हैं, इस जगह के बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? ये जो जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये शहीद गली बाज़ार, और इसके जो सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये जामा मस्जिद है। और इसकी खसूसी बात अगर आपको बताएं तो ये इसके जो इमाम साहब हैं वो पाकिस्तान में खड़े होते हैं और मुक्तदी आज़ाद कश्मीर में खड़े होते हैं। और यहाँ पर ये हमारे पास एक पंप है, ये चौक में लगा हुआ है। इस पंप का कह रहे हैं कि पंपिंग करने वाले पीछे जो वो आज़ाद कश्मीर में, और आगे जो गिलास भर के पानी पी रहे हैं वो पाकिस्तान में। और ये इसकी बाकी ये सब्ज़ार आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये मतलब कहते हैं जैसे कश्मीर जन्नत जन्नत नज़ीर, वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ की जो कीमती मालूमात हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, अभी हम पहुँचे हैं मुजफ्फराबाद, जो कि मानसेरा से तकरीबन 75 किलोमीटर है। अभी इंशाल्लाह यहाँ से हम निकलेंगे करण, और तकरीबन रास्ते पे जो अच्छे अच्छे पिकनिक पॉइंट हमें मिलेंगे इंशाल्लाह हम वहाँ का विज़िट करेंगे और साथ साथ आपको दिखाएंगे। दनी वाटरफॉल, ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, और मतलब नेचर वाइज ये बहुत ही साफ़ सुथरी और बेहतरीन जगह है। यहाँ पे इतना कचरा और ये गन वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल व्यू है। वैसे तो ये जून जुलाई में काफ़ी ज़्यादा मकदार में पानी यहाँ से गिरता है, लेकिन मौसम की वजह से भी पानी की मकदार में थोड़ी कमी आई है। वैसे ये बहुत ज़बरदस्त पिकनिक पॉइंट है, दनी वाटरफॉल नाम है इसका, और बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। अभी हम मौजूद हैं नीलम जेहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि आपको मेरे बैक साइड पर नज़र आ रहा है। ये धानी वाटरफॉल से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की मसाफत पर है, और वैसे तो हम यहाँ पे ड्रोन फुटेज ले रहे थे, लेकिन कोई सिक्योरिटी रीज़न की वजह से यहाँ पे हम ड्रोन नहीं उड़ा सके, क्योंकि यहाँ के जो मुतालका फोर्सेस जो हैं वो
आगे है, कौन सा एरिया आ रहा है, कौन सी जगह आ रही है? मसूरी पॉइंट पे हैं जी, आगे हम एलओसी पॉइंट पे जाएंगे। यहाँ से कितना टाइम लगता है? यहाँ से हम 7 किलोमीटर और चलेंगे। टाइम कितना लगता है तकरीबन? 20 मिनट। अच्छा, तो अभी मैं जिस पॉइंट पे मौजूद हूँ, मुझे ये पॉइंट देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि इस साइड पे हमारा पाकिस्तान और इस साइड पे इंडिया के लोग मतलब आबाद हैं। मतलब आप देख सकते हैं जगह तो एक ही है, कुछ फिट का फासला है। इस साइड पे इंडिया का झंडा लगा हुआ है, ये पाकिस्तान, ये एलओसी पॉइंट है, जो सिर्फ एक दरिया की वजह से एक दूसरे से अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंदा जिस जगह भी रहता है तो उसकी मतलब देखें सकाफत, यही पाकिस्तान है और ये इंडिया है। अगर आप इनकी आबादी देखें और इनकी मतलब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो देखें, सिर्फ एक मुल्क की सकाफत चेंज होने से मतलब आप देखें कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। यही पाकिस्तान और यही एक जगह लेते हैं लोग, लेकिन इनकी सकाफत और रहने चलने का तरीका आप देखें कितना मुख्तलिफ है। मैं अपने कैमरे से आपको दिखाऊंगा, अगर आपको नज़र आए मतलब किस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है यहाँ से, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है, आप भी देखें। शौक से खेलता हूँ, मतलब मेरा अपना क्लब है शाहीन एफसी, तो मैं अपने साथ फुटबॉल भी लेके आया हूँ। तो मैंने देखा सामने ग्राउंड में कोई फुटबॉल खेल रहे थे, तो मेरा भी बड़ा दिल किया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, लेकिन ऐसे बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। मतलब बड़ी दिली ख्वाहिश है कि हम आपस में खेलें और मतलब ये खेल को सियासत से बिल्कुल साइड पर रख के हम आगे चलें। ये लास्ट आबादी है इंडिया की, जम्मू कश्मीर की, आगे फिर आज़ाद कश्मीर स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट आबादी है। अच्छा, अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये बहुत एक यादगार जगह है, कुटन वाटरफॉल। ये कुंदल शाही बाज़ार से 5 किलोमीटर की मुसाफत पर है। अगर जैसे आप कुंदल शाही बाज़ार पहुंचेंगे तो आप लेफ़्ट साइड पे 5 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो ये जगह आएगी। और ये वो ब्रिज है जहां पर आज से तकरीबन 4-5 साल पहले कोई हादसा हुआ था, तकरीबन मेरे ख्याल से 2018 में हादसा हुआ था। लाहौर मॉडल कॉलेज के तकरीबन 24 स्टूडेंट इसमें गिर गए थे और 18 शहीद हो गए थे। तो ये एक बहुत तारीखी मकाम है यहाँ पर, और इस जगह का नाम कटन वाटरफॉल है। अच्छा, अभी मैं मौजूद हूँ इस ब्रिज पर, और ये हमारे एक भाई ने शहीद, जिसने यहाँ पर बहुत बहादुरी और दलेरी का कारनामा सर अंजाम दिया। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे गिरे, इसने 2 स्टूडेंट को मतलब पानी से ज़िंदा बाहर निकाला, जब तीसरे स्टूडेंट के लिए गए तो ये खुद भी पानी में डूब कर शहीद हो गए।